जो भी आता है झूठे वादे करता है हमारे साथ कि ये होगा वो होगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। आवाम वास्ते सहूलत पैदा की जाए और लोड शेडिंग बंद की जाए। पूरे पंजाब के नाल असी शामिल होए हैं और इंशाल्लाह अगे भी कोई कॉल आएगी तो पूरा शहर जड़ा ना वो बंद होएगा और लोड शेडिंग के खिलाफ पूरा एहतजाज किया जाएगा। और कारोबार इन्ने तबाह हो गए हैं जिदा हिसाब कोई नहीं, मस्जिद जाने पानी कोई नहीं, घर जाने पानी कोई नहीं, बाद उकात अं तजम करके तो अपने नमाज पढ़ने की साड़ी जिंदगी है। हमारे जो हुक्मरान हैं लीडर हैं जो अपने आप को कौम का रखवाला मुहाफिज कहते हैं, ये सबसे बड़े चोर हैं। ये बिजली नहीं जानी चाहिए थी, साढ़े कारोबार सारे तबाह हो गए रह गए हैं, तो सारा निज़ाम दरम बरम हो गए हैं बिजली बंद होने की वजह तो। लोग गर्मी नाल भी मरते पे ने, तो उत्तों बिल भी ज़्यादा चौने करते गए हैं। आवाम ना ज्यादती होंगे ही, आवाम ना ज्यादती नहीं होनी चाहिए, आवाम बल्कि रिलीफ मिलने चाहिए। जमहूरी हुकूमत है चाहे बिजली की बड़ी आवाज़ आ रही है सारी रात, बच्चे जड़े ने सौंदे नहीं, दिने भी सारा दिन तड़गो मच्छी होकर कड़ी दावे। ये तो जमहूरी हुकूमत का क्या कहना है इसमें, जमहूरी हुकूमत जब से आई है उसने तो अपने मनसूबे बनाने शुरू किए हैं, जब जो मनसूबे कायम हो जाएंगे तो लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। महंगाई तो 11 साल पहले शुरू हो गई थी जब एक डिकेटर ने शब खून मारा था जमहूरियत हुकूमत पर।